आज बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो ये है कि भारतीय आर्मी चीफ और ऑब्वियसली अब उनके पास सीडीएस का भी ओहदा है, आर्मी चीफ जनरल नरवाने साहब, उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी हमारा जो सबर है वो उसकी उसको टेस्ट ना किया जाए, हमें कोई गलती में ना आप रहे। तो ये मैं जानना चाह रहा था कि ये किसको जनरल साहब ने ये थ्रेटन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। अब इस बात को डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्ट कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। आप सब इनको जानते हैं, इंडियन मीडिया पे भी अपीयर होते रहते हैं और पाकिस्तानी मीडिया पे भी अपीयर होते हैं, और ये बड़े कम इंडियन डिफेंस एनालिस्ट में हैं जो पाकिस्तान के स्टेट टेलीविजन पे भी अपीयर होते हैं। अकल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। कल साहब ये बताएं, जनरल नरवाने किसको थ्रेटन कर रहे हैं? थ्रेटन कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे सबर को ना चेक करें, और या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है? लग तो ये रहा है कि चीन का कोई डर है, या आप समझते हैं कि जो है जनरली वो एक स्टेटमेंट दे रहे थे और इसमें कोई डेप्थ नहीं है? आप किस तरह स्टेटमेंट को देखते हैं? मुझे तो समझ नहीं आई, पाकिस्तान को तो नहीं कह रहे थे या चाइना को कह रहे थे, किसको कह रहे थे जनरल साहब ये? आई थिंक इस तरह की जब स्टेटमेंट कभी भी कोई देता है उसका मीनिंग जो है वो जरूर हमें समझ आना चाहिए। जब हम उसको पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हमें क्लैरिटी आएगी कि यस द आर्मी चीफ इंडियन आर्मी चीफ किससे बात कर रहे थे। पहली बात, हमें किसी को थ्रेटन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे नेचर में नहीं है, हमारे कैरेक्टर में नहीं है। वी डोंट थ्रेटन एनी बडी, दैट इज बाय नेचर। इंडियन आर्मी इज लाइक दैट। कमिंग टू अ रिक्वेस्ट, मुझे नहीं लगता कि जिस लेवल पर इंडियन आर्मी और इंडिया अपनी प्रॉस्पेरिटी में आ गया है अब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने की किसी को कोई हमें जरूरत पड़ती है। वी मेक आर स्टेटमेंट, हम अपनी तरफ से अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। हम क्या क्लियर कर रहे हैं कि चाइना, अगर चाइना को पढ़ना है, एंड फॉर दैट मैटर आई थिंक मैं बड़े कॉन्फिडेंटली क्लियर कर सकता हूं कि अगर उनकी आप पूरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें पाकिस्तान इज नॉट दी एड्रेसी, एड्रेसी इज एक्चुअली स्पेसिफिकली चाइना। नाउ चाइना को हम क्या बोल रहे हैं? हम चाइना को बोल रहे हैं आपने जो करना था आपने कर दिया, हमने जो करना था अब हमने भी कर दिया है। अब आपकी मर्जी है कि आप 14th राउंड ऑफ टॉक में मानेंगे या 16th राउंड ऑफ टॉक में मानेंगे, मर्जी आपकी है। क्योंकि किसी भी वजह से 1% भी चाइना को लगता है कि इंडिया कमजोर है या चाइना ज्यादा ताकतवर है, यू आर मोस्ट वेलकम टू टेस्ट अस। आपको लगता है एज चाइना कि इंडिया कमजोर है तो आप अब टेस्ट कर लीजिए। आप अगर 62 वाला इंडिया दिख रहा हो या ओवरऑल जिसको बोलते हैं ना पावर इक्वेशन में, मिलिट्री पावर इक्वेशन में आपको लगता है कि आप थोड़े बड़े हैं, आप कोशिश कर लीजिए। इस बार इंडियन आर्मी के साथ डोंट मेस, बिकॉज इंडियन आर्मी इज एब्सोल्युटली क्लियर इन इट्स माइंड कि इस बार जवाब बहुत सीधी सीधी बात है। हम किसी से ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना किसी को थ्रेटन कर रहे हैं। हम अपनी स्टेटमेंट अपने लिए जरूर क्लियर कर रहे हैं कि हम अब उस स्टेज पर हैं, हम उस प्रिपरेशन पर हैं, हम उस डिप्लॉयमेंट पर हैं। आप अब टेस्ट करना चाहते हैं, आप हमें कर लीजिए। कल सर एक बात बताएं, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है। जनरल नरवाने जो हैं वो आर्मी डे परेड के ऊपर खिताब कर रहे थे और जारी बात है अपने फौजियों से बात कर रहे थे। अच्छा, मजे की बात ये है कि वो जब चीन का नाम आता है तो नाम नहीं लेते चीन का। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा हमारा मैसेज बड़ा क्लियर है कि इंडियन आर्मी जो है वो किसी को यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज नहीं करने देगी, और जब जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का नाम आता है तो चीन का नाम नहीं लेते, या LAC भी नॉर्मली लफ्ज नहीं आता, लेकिन जब कश्मीर और पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान का नाम लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा जनाब के वो जो एक तो उन्होंने कहा कि LOC के ऊपर सिचुएशन पहले से बेहतर है, दूसरा उन्होंने कहा जी 300 से 400 दहशतगर्द ट्रेनिंग कैंप में ले रहे हैं और जो इंडिया में आना चाहते हैं, एंड सो एंड सो।
ये चीन का नाम क्यों नहीं लेते? ये बात नरेंद्र मोदी साहब भी एक चीन का नाम नहीं लेते और जनरल नरवाने भी चीन का नाम नहीं लेते, वाई? मतलब क्या कोई ये डेलिब्रेट मूव है चीन का नाम ना लेना, या आप समझते हैं चीन इससे ऑफेंसिव होगा, फिर वहां से बयान आएगा पाकिस्तान का नाम लेना, या शायद पॉलिटिकली आसान है, उससे पॉलिटिकल माइलेज भी मिलती है? डू यू थिंक दिस इज राइट? ओ यस, अनफॉर्चुनेटली दिस इज राइट कि इंडिया और पाकिस्तान ट्रेडिशनली हर चीज में, हर गलत और सही चीज दोनों के लिए मैं बोल रहा हूं, हर चीज में एक दूसरे का नाम बढ़ चढ़ के लेते हैं, एक दूसरे को थ्रेटन करते हैं, एक दूसरे को हम आंखें दिखाते हैं, एक दूसरे को हम 100-100 ग्राम के न्यूक्लियर बॉम्ब दिखाते हैं, वगैरह वगैरह। मोर इंपॉर्टेंट इज कि जो आपका सवाल है कि चाइना का नाम, मुझे लगता है कि इंडिया एंड चाइना दोनों के दोनों उस इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जिसमें बिना किसी का नाम लिए आप एक दूसरे को चीजें बड़ी क्लैरिटी से बता पाते हैं, क्योंकि इस समय अगर डिप्लॉयमेंट है तो इट इज नॉट एंटी और पाकिस्तान सेंट्रिक। जो इंडियन डिप्लॉयमेंट इस समय है वो एंटी पाकिस्तान नहीं है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जो पूरी की पूरी डिप्लॉयमेंट की बात हो रही है, और वो भी नॉर्दर्न इंडिया की बात हो रही है, दैट इज स्पेसिफिक टू ले लद्दाख। कहते हैं ना जिसको कि समझदार को इशारा ही काफी है। सो आई थिंक इंडियन डिप्लोमेसी एंड इंडियन आर्मी चीफ एक उस लेवल पर जाकर बात कर रहे हैं जहां एक दूसरे का डायरेक्ट नाम लेकर आप चीजों को एस्केलेट नहीं करना चाहते। आप नहीं चाह, अगर हम कल से ये बोलना शुरू कर दें कि ओके फला फला ब्रिगेड ऑफ फला फला डिवीजन ऑफ चाइना, भाई साहब आ जाओ दो दो हाथ कर लेते हैं, आई थिंक इट कैन एस्केलेट। बड़ी मेच्योरिटी दिखाई जा रही है दोनों तरफ से, बाय द वे नॉट ओनली इंडियन तरफ से, मैं कहूंगा इवन चाइना इज शोइंग इट्स ओन मेच्योरिटी बाय नॉट नेमिंग कि वॉट इज हैपनिंग एंड वेयर एग्जैक्टली वॉट इज हैपनिंग। तो मुझे लगता है आर्मी चीफ एक अच्छी डिप्लोमेसी का उदाहरण दे रहे हैं जहां वो बिना नाम लिए क्लैरिटी के साथ बात कर रहे हैं चाइना बॉर्डर। अच्छा, कल से एक और बात बताइएगा, चाइना के साथ जो चीज चल रही है वो मिलिट्री डिप्लोमेसी चल रही है, और कॉन्टिन्यूसली जो चीज सामने आ रही है कि जो सिविलियंस हैं दे आर ऑन अ बैक फुट। वो या तो जैसे फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी या फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, वो कोई ब्रेक थ्रू करने में कामयाब नहीं रहे, और बल्कि जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने जो बात की जब प्रेसिडेंट पुटिन यहाँ आए हुए थे, दैट वाज बेसिकली आस्किंग टू हेल्प अस टू ब्रेक थ्रू थिंग्स विद द चाइनीज। बाद में सुना है कि उन्होंने इसका रिवर्टल वगैरह भी आ गया। सो व्हाई डू यू बिलीव दैट द मिलिट्री डिप्लोमेसी इज सक्सेसफुल? क्या चाइनीज पॉलिटिकली टेबल पे आते नहीं हैं, या आप समझते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है ही इज वेरी कॉशियस कि वो पॉलिटिकली कोई मूव ऑन करना नहीं चाहते चाइना के साथ? या जिस तरह वो फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी जादू की जपी डाल देते हैं, वो समझते हैं कि मेरी जपियां काम नहीं आई हैं शी जिनपिंग नो, तो ये ना होगा कोई जो है ना मसला और बन जाए। सो हाउ डू यू सी दिस? देखिए, अगर हम पॉलिटिकली इसको बड़े इम्पार्शल होकर इवैल्यूएट करेंगे तो हम ये जरूर पाएंगे कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने अलाउ किया पहली बार कि द मिलिट्री लीडरशिप शुड गेट इनटू द डिप्लोमेसी एंड द डिप्लोमेटिक टॉक। व्हाई? बिकॉज जिस समय ये शुरुआत करी गई थी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पॉलिटिकली अभी भी शायद हम और चाइना वी कैन कंटिन्यू। वाई? बिकॉज ऑफ आर इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व दोनों कंट्रीज के। सो हमने इसको शायद बड़ी मेच्योरिटी के साथ पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली शुरुआत में अलग रखा। हालांकि मैं आपकी खबर के लिए बता दूं, देर हैज नॉट बीन एनी सिंगल टॉक आउट ऑफ द 14 राउंड्स जिसके अंदर हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट ना करें। They are always there, but yes, the talks are led by the military. Now coming to the point के हमने ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि अराउंड 5-6 टॉक्स के बाद जो इंडिकेटर मिले वो ये मिले कि मिलिट्री लीडरशिप जब बात कर रही थी डिप्लोमेटिकली, वो चीजों को बड़ी क्लैरिटी के साथ
पुटअप कर पा रही थी, क्योंकि देर वॉज अ प्रॉब्लम ऑफ कि किसने कौन सा स्टेप सही लिया या किसने कौन सा स्टेप गलत लिया जो एक एग्रेशन के तौर पर ट्रीट किया गया। आई थिंक दैट वॉज वन ऑफ द मेजर रीजन के एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट एज वेल एज पॉलिटिकल डिपार्टमेंट को लगा कि अगर पेंगैंगसो से चाइना विड्रॉ कर सकता है, अगर यू नो गलवान से विड्रॉ कर सकता है, और जहां पर भी हमें ये सो कॉल्ड आपसी बातचीत की सक्सेस मिली, अगर वो सक्सेसफुल मिलिटेरली हो रही है, तो हम इसे लोकलाइज्ड मिलिट्री अफेयर कहेंगे। क्योंकि अगर ये पॉलिटिकल एंड एक्सटर्नल अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से एस्केलेट हो गया, तो ये हम दोनों कंट्रीज के लिए इकोनॉमिकली हर्ट करेगा, क्योंकि हमारा भी बहुत पैसा इन्वॉल्व है, उनका भी बहुत पैसा इन्वॉल्व है, बिजनेस इन्वॉल्व है, लेन देन इन्वॉल्व है। तो आई थिंक उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये एक एक्सपेरिमेंट किया है पहली बार, जहां हमने देखा कि प्रोबेबली इंडियन आर्मी वॉज क्वाइट सक्सेसफुल इनिशियली। वो ठीक है, जब मामला पेचीदा होगा तो ये कहना कि दो या तीन राउंड में ही सब कुछ हो जाएगा, वो भी गलत होगा। अगर हमने 6 राउंड के अंदर एक अच्छी सक्सेस ली, ये एक अलग बात है कि आज की तारीख में वो सक्सेस आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही कि 14 14 राउंड हो गए और 14वें राउंड में भी हम आपस में एक दूसरे को नहीं समझा पाए। और समझाने के लिए हमें भी समझना पड़ेगा सबसे पहले दोनों साइड्स को कि ये मामला उतना सिंपल है भी नहीं। इट रिलेट्स टू कि आज जो हम करेंगे, जैसे इस समय चाइना को पुरानी आदत लगी हुई होगी शायद कि अगर वो कुछ करता है कि 2 स्टेप लिए, 1 स्टेप पीछे कर लिया, 1 स्टेप आगे बढ़ा लिया, ये वाली जो फिलॉसफी उनकी है वो शायद सक्सेसफुल रहेगी, लेकिन वो नहीं रही। इस बार इंडिया हैज चैलेंज्ड इट एंड चैलेंज्ड इट नाइस एंड प्रॉपर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि मिलिट्री इज राइट नाउ डीलिंग ऑन दिस केस वेरी सेंसिबली, एंड आई थिंक एज अ कंट्री हम लोग बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच लगाकर चल रहे हैं, जहां हम अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी डैमेज नहीं करना चाहते। अच्छा कल सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग इस वक्त डेवलपमेंट है भारत के अंदर, और वो ये है कि जिस तरह रिसेंटली अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर 50-60 हजार फौजी यहाँ से हैं, 50-60 हजार फौजी चाइना से हैं, तो एस्केलेशन तो है इस वक्त, थिंग्स आर नॉट नॉर्मल। अच्छा ये बताएं, इंडियन आर्मी जो कि ट्रेडिशनली ट्रेन हुई थी एंटी पाकिस्तान, ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान आर्मी जो है वो ट्रेडिशनली ट्रेन हुई है एंटी इंडिया, ठीक है, लेकिन हमें पिछले 15 साल में एक नई डेवलपमेंट फेस करनी पड़ी, और वो ये था नॉन स्टेट एक्टर दहशतगर्दी जो थी। हाउ कम इंडिया इज फेसिंग दिस चेंज? इंडियन आर्म फोर्सेज जो है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव रिमेन्ड इन इंडियन आर्मी एंड यू बेटर अंडरस्टैंड दिस, अब जो इंडियन फौज है वो अपनी डायरेक्शन बदल रही है, ठीक है, एक तो चलो नेवी इंडो पैसिफिक यानी कि नेवी आ गया, वो तो चलो ठीक है, उसको छोड़ देते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी में क्या तब्दीलियां आ सकती हैं? अब आप एक नया दुश्मन जो है उसको वो आपके सामने आया है, एक नई सिचुएशन आपके सामने आ गई है, तो जब इंडियन फौज अब क्या आधा चाइना के लिए तैयार होगी, आधा पाकिस्तान के लिए तैयार होगी, या क्या होगा, और ये तकसीम किस तरह होगी, और ये फौज को कितनी, क्योंकि दोनों अलहदा मुल्क हैं, अलहदा कल्चर्स हैं, अलहदा हिस्ट्री है, सब अलहदा है, तो ये इंडिया के लिए, इंडियन फौज के लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि दो न्यूक्लियर पावर उनके जो है वो नेबरिंग है और दोनों के साथ मामला चल रहे हैं, तो इंडियन फौज अब पाकिस्तान के साथ साथ चाइना की भी तैयारी करेगी, या ये किस तरह फौज में ट्रांसफॉर्मेशन होगी? लास्ट 2.5 to 3 years जनरल बिपिन रावत ने ये स्टार्ट करा था और ये असेस किया था कि वी हैव टू फाइट अ 2.5 बैटल और अ 2 फ्रंट बैटल और वट एवर, दैट वॉज बेसिकली अमाउंटिंग टू के अगर चाइना मेरा एनिमी नंबर वन है, जो हमने डिक्लेयर भी किया, अनफॉर्चुनेटली चाइना का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के ऊपर जरूर है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लड़ाई की ओवरऑल तैयारी चाइना के खिलाफ करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ वेपन, नंबर ऑफ वेपन, स्ट्रेंथ, जो पावर इक्वेशन है, उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी चाइना के खिलाफ। हालांकि हमें पाकिस्तान से डर हमेशा इसलिए रहेगा क्योंकि ट्रेडिशनली हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं रहे हैं। जब पाकिस्तान यूएस से छूटने के बाद एक तरह से उसको एक नया दोस्त मिला है चाइना,
और उस चाइना के कहने पर, उसके प्रेशर में आकर वो जरूर कुछ कर सकता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से बिपिन रावत साहब का ये असेसमेंट था कि हमें टू फ्रंट वॉर के लिए तैयारी जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमने पाकिस्तान के साथ लड़ाई करी किसी भी वजह से तो चाइना इंटरफेयर करेगा, अगर हमने चाइना के साथ लड़ाई करी तो चाइना के कहने और प्रेशर पर पाकिस्तान इंटरफेयर करेगा, विच इज वेरी लॉजिकल। कि यस, जिस तरीके से इस समय रिलेशंस आपस में चल रहे हैं, जिस तरह की बॉनहोमी हमें पाकिस्तान की चाइना के साथ दिख रही है, मे बी फॉर एनी रीजन, लेकिन ऐसी हमारी असेसमेंट है कि अगर हम चाइना फ्रंट पर कुछ भी करते हैं, इवन एज अ रिप्लाई भी अगर करते हैं, तो चाइना इस अपॉर्चुनिटी को पाकिस्तान के थ्रू एक्सप्लॉइट करेगा और वो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स को भी एक्टिवेट करेगा। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस कंसेप्ट ऑफ टू फ्रंट वॉर। नाउ कमिंग टू प्रिपरेशन, यस, इवन इफ हम दो फ्रंट पर तैयारी करते हैं तो भी हमें हमारी नेवल कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि दैट इज नॉट द ओनली वन प्लेस। दैट इज कि अगर हम ये सोच लें कि हमारी आर्मी ठीक है और हम दो फ्रंट हैंडल कर सकते हैं, तो नेवी में हम कमजोरी अपनी रख सकते हैं? नहीं, आप नहीं रख सकते, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना हमारे को कहीं से भी डैमेज कर सकता है। और ये जब लड़ाई होती है तो उसके बाद बड़ी खुली सी एक किताब है कि एवरीथिंग इज फेयर, एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एट दैट पर्टिकुलर टाइम। आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इंडियन आर्मी हैज गॉट अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इट सेल्फ कि यस, हम ना केवल पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ अपने को पूरे तरह से सेफ और तैयार रखें, एज अ डेटरेंस, ऐसी क्रेडिबल डेटरेंस लेकर रखें कि ये दोनों ही न्यूक्लियर कंट्री अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी शायद हमारे ऊपर इस्तेमाल ना करें बिकॉज ऑफ द डेटरेंस। अगर आप बाय द वे देखें, चाइना और इंडिया के बीच में कहीं एक बार भी न्यूक्लियर थ्रेट की बात नहीं आई, कहीं एक बार भी एनबीसी की थ्रेट नहीं आई। यही अगर आपके यहाँ या मेरे यहाँ बॉर्डर के ऊपर कोई छींक भी मार देता है तो हमारा एकदम से न्यूक्लियर पार्ट अंदर आ जाता है। दैट इज कॉल्ड एज नॉट हैविंग अ स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। क्योंकि अगर आप अपना अल्टीमेट वेपन को डेटरेंस बनाएंगे तो आप उसकी वैल्यू कम कर रहे हैं। दैट इज योर अल्टीमेट वेपन, न्यूक्लियर। यू डोंट हैव, मतलब आपको और हमको एक दूसरे को डराने की बिल्कुल जरूरत नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमें चाइना के साथ इसकी बात ही नहीं करनी पड़ रही, इतना बड़ा एस्केलेशन हो रखा है, हजारों के हिसाब से ट्रुप्स डिप्लॉयड है, मेरे ख्याल हजारों के हिसाब से इक्विपमेंट डिप्लॉयड है, जो टाइम स्पेस और रिसोर्सेस की जो मैनेजमेंट है, उस छोटी सी जगह में हमने सब कुछ रखा हुआ है, टैंक भी रख लिए, गन्स भी रख ली, वो अपाचे हेलीकॉप्टर भी लेकर ऊपर से आ गए हम, राफेल ने भी ऊपर से फ्लाइंग कर ली, वगैरह वगैरह, इवन नेवल एयरक्राफ्ट, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट हैव ऑलरेडी कम इन, नेवल बोट्स हैव कम इन टू पंगैंग सो। क्या है इसका मतलब? दैट मींस हम एक दूसरे को एक क्रेडिबल डेटरेंस दिखा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, लेकिन अभी तक हमने कहीं पर भी न्यूक्लियर डेटरेंस की बात नहीं करी। दैट इज कॉल्ड एज द मेच्योरिटी ऑफ बोथ द कंट्रीज। मेरा ख्याल है उसकी वजह यह है कि आप दोनों का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर्स हैं वो लहदा डिफरेंट हैं, और मार्केट में हमारा और आपका स्ट्रेटेजिक कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए ही भारत के लिए हैं, हमने तो किसी और के लिए, और हमारी फौज भी भारत के लिए, आपको पता है। आप तो कहते हैं चाइना के लिए भी है, पाकिस्तान भी है, और थ्रेट्स भी है, इसी तरह चाइना पूरी दुनिया के वो उसका कर रहा है। सो हमारा तो एक ही मसला है, आप हैं, और उसीलिए जारी बात है वो। और आपको एक बात और बताऊं कल साहब, कभी भी किसी पाकिस्तानी सर्विंग आर्मी चीफ ने या सर्विंग फौजी ने यूनिफॉर्म में बैठ के न्यूक्लियर का इस्तेमाल की बात नहीं की कभी? ये नॉट ओनली दैट, नॉट ओनली दैट, लेट मी एड टू योर प्राइड। एज पर आर असेसमेंट, योर न्यूक्लियर वेपन्स आर वेरी वेरी सेफ, बिकॉज आपको आपको इस बात का बिल्कुल डर नहीं है कि इंडिया आकर आपका न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय कर देगा, चुरा लेगा या क्या कर लेगा। आपके यहां एक वो जो टेररिस्ट रिलेटेड थ्रेट है, उस वजह से हमें लगता है, और ये पूरी वर्ल्ड की एक्नॉलेजमेंट है, कि पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल इज सेफेस्ट इन द वर्ल्ड,
यू हैव मेड इट सो सेफ, क्योंकि आपको भी ये घबराहट है कि ये इस तरह की चीज अगर किसी भी वजह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में चली गई फॉर एनी रीजन, आई थिंक इट विल बी वेरी काउंटर प्रोडक्टिव टू पाकिस्तान फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉट ओनली थ्रेट ऑफ यूज बट ऑल्सो दैट देयर क्रेडिबिलिटी इन द वर्ल्ड फोरम विल कम डाउन. सो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि पाकिस्तान आर्मी हैज गॉट वेरी फुल प्रूफ सिस्टम्स टू सेफ गार्ड इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल. प्रॉब्लम यह है कि आपके और मेरे यहां जो बड़बोले पॉलिटिशियंस हैं उनका ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है. हर छोटी मोटी बात के ऊपर हम उस न्यूक्लियर पार्ट को सबसे पहले लाना चाहते हैं, क्योंकि उससे लगता है कि मैं एज अ पॉलिटिशियन ज्यादा एग्रेसिव हूं और मैं पाकिस्तान को ठीक कर दूंगा, या पाकिस्तान का मंत्री बोलता है कि मैं इंडिया को ठीक कर दूंगा. आई थिंक दैट इज मोर ऑफ पॉलिटिकल स्टंट. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कल साहब. और इसमें ये बातें बड़ी हुई हैं कि जनाब पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन है शायद वो नॉन स्टेट एक्टर आ जाएंगे, लेकिन आज तक एक सिंगल इंसिडेंट भी कभी इस तरह कुछ भी नहीं हुआ. इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हो, अमेरिकन हो, सब ने हमेशा बड़ा अप्रिशिएट किया है. और बल्कि यूरेनियम हो या कोई चीज भी हो, और ममालिक में यूरेनियम चोरी हुआ, कुछ ये हुआ वो हुआ, पाकिस्तान में आज तक कभी कोई ऐसी खबर भी नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ. और इंटरनेशनल अदारों ने इसकी बड़ी जो है वो अप्रिशिएट किया है. और आपका भी बहुत शुक्रिया कर्नल साहब फॉर लॉर्डिंग पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज, फॉर प्रोटेक्टिंग इट्स मोस्ट जिसे कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंट जो आर्सेनल है हमारा. इट इज योर अल्टीमेट, इट इज योर अल्टीमेट स्ट्रेटेजिक वेपन, अल्टीमेट, देयर इज नथिंग बियॉन्ड दैट. Obviously, बिल्कुल जारी बात है. एंड हम कहते हैं ना न्यूक्लियर वेपन्स आर द वेपन्स ऑफ जिसे कहते हैं वो अमन के वेपन्स होने चाहिए, बिकॉज़ ओह यस यस दे आर द वेपन्स ऑफ द पीस, बिकॉज़ वो दे मेक इट शो दैट नोबडी गोस फॉर फाइट. और ये मेरा ख्याल है. और जो दूसरे दोनों ममालिक जो हैं उनकी आर्म्ड फोर्सेस ने ये मेक श्योर किया है कि जिस तरह न्यूक्लियर फैसिलिटीज की इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है एक दूसरे को, जो टेस्ट करने से पहले बताया जाता है, आई थिंक दैट इज अ मैच्योरिटी ऑन द पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी एंड द पाकिस्तान आर्मी के दे हैव रीच्ड टू दिस. ये जो जिसे हम मिलिट्री सीबीएम्स कहते हैं ये किए हमने ताकि अल्टीमेटली पीस कैन प्रिवेल. और ये मेरा ख्याल है पिछले 20 साल में काफी डेवलपमेंट हुई इस हवाले से, और इसका जो है वो अमन के हवाले से दोनों फौजों ने बड़ा किरदार अदा किया है.